अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आपके अपने चैनल पाकिस्तान कबूतरबाज में आप लोगों को सलाम अर्ज़ करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बता रहा हूं एक नुस्खा। ये चीज़ें रखी हुई हैं, बना के आप लोगों को दिखाता हूं मैं। जो कबूतर आसमान में बुलंदी में नहीं जाते, कबूतर नीचे दरख्तों में घिस घिस के उड़ते हैं, उन कबूतरों के लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जो ये पानी में बता रहा हूँ, ये आप लोग इस्तेमाल करें दो फिरतों में। सुबह जाते वक्त कबूतरों को ये वाला पानी 10 सीसी देना है। मैं पहले ही बता दूं आप लोगों को, ये वाला पानी 10 सीसी, बाकी जितना सादा आप लोग उठवाते हो, यानी कि 10-30 सीसी उठवाते हो, तो 10 सीसी ये वाला पानी, 20 सीसी सादा पानी दे के कबूतरों को उड़ा दें। इंशाल्लाह कबूतर आप लोगों को दो फिरतों में आसमानों को बिल्कुल सूरज में बिल्कुल डूब के उड़ेंगे इंशाल्लाह, और बहुत ही अच्छे उड़ेंगे। जितना यानी कि सूरज तपिश में आता जाएगा, उतने कबूतर आप लोगों का आसमान में डूबता जाएगा और उतनी ज़्यादा परवाज़ लाएगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को, वीडियो को एंड तक देखें। और ये मैं बनाने जा रहा हूँ, आप लोगों को चीज़ें बता रहा हूँ, ये आप लोग बनाएं, इंशाल्लाह बहुत ही इसमें फ़ायदा है। ये बिल्कुल आसमान में डूब के कबूतर उड़ेंगे। जो कबूतर दोस्तों के नीचे उड़ते हैं ना दरख्तों में, पास पास के उड़ते हैं, तो उन दोस्तों के लिए मैं लाया हूँ एक पानी, बहुत ही अच्छा ठंडा पानी है। यानी कि गर्मी भी जो हरी बीट करते हैं कबूतर, ताव लग जाता है, वो ताव भी नहीं लगेगा, और आउट कंडीशन में भी नहीं बैठेंगे कबूतर आप लोगों के, कबूतर भी फिट बैठेंगे और चुस्त बैठेंगे कबूतर, उतरेंगे खुराक मांगेंगे इंशाल्लाह आप लोगों को कबूतर। तो शुरू करते हैं वीडियो को, आप लोग वीडियो को देखें। तो दोस्तों, ये अब एटम है, एटम आप लोग देख लें, 1, 2, 3, 4, 5 और छठा आइटम जो है अरके गाउज़बान, ये रखा हुआ अरके गाउज़बान। ये आप लोगों ने हमदर्द वाला लेना है, करशी वाला नहीं लेना, हमदर्द वाला अरके गाउज़बान। इसका फ़ायदे भी कुछ और हैं, आप लोगों को मैं चीज़ें नोट करवा लूँ। अरके गाउज़बान आप लोगों ने दो ढक्कन करने, अरके गाउज़बान जो इसकी बोतल के ऊपर ढक्कन चढ़ा हुआ है, ये ढक्कन तकरीबन है 10 सीसी का, यानी कि 20 सीसी आप लोग अरके गाउज़बान करें, ढक्कन को छोड़ें, 20 सीसी अरके गाउज़बान करें। 100 दाना आप लोगों ने सफ़ेद ज़ीरे का करना है, 100 दाना। ये आप लोग देख लें, तकरीबन ये आधी चम्मच हो जाएगी, 100 दाना, आधी चम्मच छोटी चाय वाली, 100 दाना आप लोगों ने सफ़ेद ज़ीरा लेना है। और ये है बेड़ा, बेड़ा बेड़ा इसे कहते हैं। एक होता है ओले बेड़े, ओला मिलेगा आप लोगों को गोल किस्म का, और ये उसके साथ आपको टच में मिलेगा बेड़ा। ये कंडीशन है बेड़े की, ये इतना ही लेना है आप लोगों ने, ज़्यादा नहीं लेना बेड़ा, बेड़ा आप लोगों ने इतना लेना है। छोटी इलायची के बीज जो है आप लोगों ने, बीज 20 लेने हैं, भले शक 1 के 20 निकलें या 2 के 20 निकलें, 20 अदद छोटी इलायची के बीज लेने हैं आप लोगों ने। और उसके बाद आप लोगों ने यह है खट्टी अम्बली, खट्टी अम्बली, आलू अम्बली भी जिसे कहते हैं लोग, खट्टी अम्बली, ये आप लोगों ने लेनी है। ये 2 गुटलियों के साथ जितनी आ जाए, ये 2 गुटलियों के साथ जितनी आ जाए खट्टी अम्बली। और ये मलट्ठी है, मलट्ठी का काम ही ऊपर कबूतर को डुबाना है। मलट्ठी आप लोगों ने 1 इंच का टुकड़ा करना, यानी कि इतनी आधी आधी, ये 2 इंच इतनी है, तो आप लोगों ने इसको 1 इंच इतना मलट्ठी का टुकड़ा करना है आप लोगों ने। तो दोस्तों, ये चीज़ें हो गई। ये आधे किलो पानी में आप लोग भिगो के रात को रख दोगे, इन चीज़ों को पहले तो हल्का हल्का कूटोगे, सफ़ेद ज़ीरा हो गया, बेड़ा हो गया, सब्ज़ इलायची का बीज हो गया, मलट्ठी हो गई, इनको हल्का हल्का कूटोगे। उसके बाद ये ऐसे ही डाल देना, ये कूटने उटने वाली चीज़ नहीं होती खट्टी अम्बली। और अरके गाउज़बान 20 सीसी आप लोगों ने आधे किलो पानी में, ये फ़र्ज़ करो आप लोगों ने कल उड़ाने हैं ना कबूतर, 2 तारीख को आप लोगों ने उड़ाने, तो 1 तारीख को ये आप लोगों ने भिगो के रख देना है, शाम को, रात को ये पानी पुसा के रख दो। सुबह को फिरत में भी ये आप लोग दे सकते हो, इसमें कबूतर जो फिरत में घिस घिस के उड़ते हैं दरख्तों में, वो घिस घिस के नहीं उड़ेंगे, ऊपर उड़ेंगे। ये बहुत ही अच्छा ठंडा पानी है, बेहतरीन पानी है,
ये जितना यानी कि सूरज में तपिश आती जाएगी उतना ही कबूतर आप लोगों का बिल्कुल आसमान में घुसता जाएगा। और बड़ी बात यह कि इससे कबूतर जुट भी बना जाएंगे आप लोगों के, टोली में उड़ेंगे, जैसे टोली में कहते हैं टोली में उड़ना, जुट भी बना जाएंगे कबूतर आप लोगों के, बहुत ही अच्छे उड़ेंगे, बेहतरीन उड़ेंगे। तो दोस्तों ये पानी आप लोग इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आप लोगों को फ़ायदा मिलेगा। मैंने ये बहुत सारी कमेंट्स आती हैं, बहुत सारे यानी कि व्हाट्सएप पे पूछते हैं लोग भाई कबूतर को ऊंचाई में उड़ाना। अभी एक बंदे को, दो को बताऊं, तीन को बताऊं, पूरा दिन यही बात बतानी पड़ती है। तो फिर मैंने सोचा यार अभी जो है ये चीज़ भी बता दूँ यूट्यूब पर। तो ये बहुत ही अच्छी और ख़ास चीज़ है मेरी, ये आप लोग इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आप लोगों को जो ऊंचाई में कबूतर उड़ते हैं उनको नीचे ज़मीन पे उड़ाने का तरीका बताऊंगा और बना के भी दिखाऊंगा चीज़ें, क्योंकि ये अपना पूरी कबूतरबाजी पड़ी हुई है प्लास्टिक के अंदर, ये सारी चीज़ें इसके अंदर पड़ी हुई हैं, ये संदूक भरी हुई है, बहुत चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो इंशाल्लाह अब जो है जो भी तरीकाकार है अपना मोड़ की मंजिल तक, अब ये भी वादा रहा आप लोगों के साथ इंशाल्लाह आप लोगों को मोड़ भी बताएंगे, बहुत ही अच्छा और बेहतरीन मोड़ बताएंगे और आप लोगों को काम भी आएगा इंशाल्लाह। जितना अच्छी चीज़ होनी चाहिए, कबूतर अच्छा होना चाहिए, तो अच्छी चीज़ पे हर चीज़ सूट करती है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, अगली वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कबूतरों को नीचे फेरने का तरीका, अभी ऊपर वालों को नीचे फेरने का तरीका उसमें बताएंगे, अब इसमें बताया है कि नीचे वालों को ऊपर ले जाना। तो ये पानी आप लोगों ने दो फिरतों में देना है, दो फिरतों में आप लोगों को रिज़ल्ट मिल जाएगा। अगर फिर भी थोड़ा बहुत नीचे कबूतर घुस रहे हैं, दरख्तों में फंस रहे हैं, तो फिर तीसरे दिन भी दे देना, यानी कि ये देना 10 cc पानी है आप लोगों ने, आधे किलो पानी में ये पानी बना के रख देना है मिट्टी के किसी बर्तन में, ये छोटी घड़ी वड़ी घड़े होते हैं छोटे मटके, उसमें आप लोग ये भिगो के रख देंगे पानी, तो इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा फ़ायदा मिलेगा आप लोगों को। तो दोस्तों ये आज की वीडियो है, आप लोग सपोर्ट करें भाई को और सब्सक्राइब कर दिया करें, सब्सक्राइब करने से ये होगा कि हमारी जो अगली वीडियो आएगी वो आप लोग तक पहुंच जाएगी। अगर आप एक वीडियो देख के छोड़ देंगे तो फिर आप लोग नंबर ढूंढते रहते हैं, तो इसमें आप लोगों को मैं नंबर भी बता देता हूँ अपना, 0343-3852-171, 0343-3852-171 नंबर भी दे दिया मैंने, आप लोग व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं, जो चीज़ पूछेंगे हो इंशाल्लाह बिला झिझक, कोई किसी के साथ यानी कि हमारा लालच वाला सिलसिला नहीं होता है, हम कहते हैं भाई दोस्तों को आगे ले जाएं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, अस्सलाम वालेकुम।